आज चकना डिसअपॉइंट कर गया भाई। चीयर्स। ब्रांड अपने आप को दर्शाता है। नो डाउट ये स्मूथ है थोड़ी सी, बट कंपेयर टू मैग्नम मेरे को थोड़ी सी कड़वी लगती है कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा सा जो इसका टेस्ट है ना, इसका थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा कड़वा लगता है मेरे को कंपेयर टू मैग्नम। वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शो में जिसका नाम है लाइव दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल, और आज है हमारे सामने बडवाइजर मैग्नम का छोटा भाई। इंडिया में हम इसको छोटा भाई कहते हैं, बडवाइजर क्लासिक कह लो या फिर लाइट कह लो, जो आपका मन करे। क्यों, या वाइट भी कह सकते हो आप इसको लाइट के साथ। ठीक है, ये स्ट्रांग है तो स्ट्रॉन्ग तो और कोई लिखता भाई। हाँ तो भाई है भाई ये, लेकिन ठीक है, लागर बियर है। ठीक है, और मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बटर भी तो करना है। बिल्कुल तो करना पड़ेगा, और बडवाइजर ब्रांड ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसका जो मैग्नम है भाई, वो मेरा तो भाई बहुत दिल खुश कर देता है मैग्नम तो मेरा। ठीक है, बट इसका भी रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, जेन्युइन रिव्यू देंगे, बायस कुछ नहीं होता आपको पता है इस चैनल पे। 5% अल्कोहल है, 5% स्ट्रॉन्ग में कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया में तो स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे, देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसा टेस्ट प्रोफाइल है। क्यों, बिल्कुल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चकना लेके आते हैं पहले तो साइड करें। Oh, you wasting time declining all your FaceTime calls, 'cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, 'cause I'm running away. I'm looking for space. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. 'Cause I feel lost right now, and it's hard to मैं लिख के आया चिली मोमोज। ओह माय गॉड। ठीक है, नॉर्मल मोमोज, कुरकुरे मोमोज, स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज तो खूब खाए होंगे। चलो आज खाते हैं चिली मोमोज। चिली मोमोज ठीक है, पनीर वाले हैं ये। मैंने थोड़ी सी चीटिंग यहाँ पे ये करी है कि मोमोज खोजना बना के बाहर से ले आया था स्टीम वाले, और घर पे इनको फ्राई करके फिर इनको चिली सॉस में डाल दिया। ठीक है, बैठ रहे है ना। नॉर्मल मोमोज खा खा के तो बोर हो गए थे, फोटो शो है ना। मजेदार, अंदर भी मसाला ऊपर भी मसाला। लेकिन पता है बीयर के साथ ना आज चखने में मजा नहीं आया, स्पाइसी वगैरह। आज बीयर थोड़ी वैसी है ना, बीयर के साथ थोड़ा वैसा होना चाहिए, चीजी सा है ना, जैसे कि पास्ता हो गया, बर्गर हो गया। आज चकना डिसअपॉइंट कर गया भाई। होता है यार कभी कभार, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, बट
सही है, भाई ने डिमांड करी है तो नेक्स्ट अपना वही आएगा। मतलब नो डाउट कि मोमो से ट्विस्ट अच्छा दिया हुआ है, लेकिन बियर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेगा इसका। इसका कॉम्बिनेशन करेगा स्कॉच के साथ। स्कॉच के साथ? हाँ, स्कॉच लेके आते हैं ना फिर। मेरी गलती ना हो, थोड़ी ना फिर भाई साहब कह रहे हैं स्कॉच लेके आओ, मतलब कि 1000 रुपए से भरी स्कॉच आएगी वो चकना के लाएंगे, 50 रुपए मोमो खाएगी। देखो मेहनत नहीं देख रहे, कितनी लग रही है जरा देखो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ओ भाई क्या उजला है, मजे आ गए भाई। भाई सिगरेट में छल्ले, स्मोकिंग इज रिलेटेड टू हेल्थ पहले कह दूं, और बियर में झाग, दोनों का अपने मजा है भाई। ग्लास जितना टेढ़ा करते रहोगे उतनी बियर आराम से जाती रहेगी, बढ़िया बनती रहेगी। और ये ना, अब मैं बियर आना जरूरी होता है, मैं बियर ना पूरी नहीं करूंगा इसके अंदर, पता है क्यों? क्योंकि रवि को पता है इसका रीजन। भाई को ना पाइंट वाली बियर ना पाइंट में पी, पाइंट में पीना होए, मेरा भाई जानता है सब कुछ। ठीक है, अब इससे पहले बस मैं इतनी इसलिए कर रहा हूँ दिखाने के लिए तुम लोगों को। हाँ। देख लो भाई, इससे पहले कि खत्म हो जल्दी से जरा नोजिंग कर ले। नोजिंग कर लेते हैं। चीयर्स। चीयर्स। ओ भाई क्या बढ़िया रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग है, और हनी का जो आ रहा है फ्लेवर, ओ भाई ठीक है, काफी बहुत रिफ्रेशिंग है भाई। रिफ्रेशिंग है, और जैसे कि आप इसकी बियर में तो देख ही सकते हो मैंने थोड़ा ज्यादा इजी डाली है, वाटर मॉल्ट, बर्ले राइस, हॉप्स, इथाइल अल्कोहल जनरेटेड इन प्रोसेस। तो वही है, सेम चीज है, ठीक है, नॉर्मल बियर में होती है। बियर में आना ज्यादा बताने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि बियर होती है एंजॉय करने के लिए, और पाइंट होते हैं, और पाइंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मैं आपको ये बताऊं, लंबी पार्टी चल रही हो ना, पाइंट लेके आओ पूरी पेटी ले आओ, और पाइंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है पेटी में ठंडी ठंडी बियर निकलती रहती है, क्योंकि आप 600 ml जब पूरी बोतल लेके आते हो ना यार, उसे टाइम लगता है खत्म करने में, और फिर आप बियर का मजा खो देते हो अगर बियर चिल्ड ना हो तो। पाइंट का पीने का मजा ना भाई यही है कि ठंडी ठंडी पाइंट निकालते रहो और दोस्तों के साथ एंजॉय करते रहो, और क्या बताऊँ बस एंजॉय कर लो बस। कह रहा राहुल, पाइंट में ये चीज है, पाइंट का फायदा सबसे बड़ा फायदा जो मेरे को भी लगता है वो यही है कि कम क्वांटिटी में होती है। हाँ। और जब तक खत्म होती है तब तक ठंड रहती है, ठंडी। हाँ। रहती है। हाँ। और एक बार अगर आप बड़ी कोई बोतल उठा लो 650 ml वगैरह या कुछ भी। हाँ। उससे ज्यादा दिक्कत ये है कि आप एंजॉय करोगे पियोगे वो गर्म हो जाएगी। हाँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, खासतौर से गर्मी में, और बियर पीने का मजा भी गर्मी में ही है, है ना। और गर्मी में अगर बियर जिस जो आपको ठंडा करने के लिए पी रहे हो, रिफ्रेश करने के लिए पी रहे हो, वही गर्म हो जाए तो फिर क्या फायदा है, बर्फ मिला नहीं सकते, उससे डाइल्यूट हो जाएगी, जो टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा बियर लवर्स को जब भी बियर लेके आओ ना, थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन जब भी बियर लेके आओ ना पाइंट लेके, नहीं तो फिर एक आइस बकेट ले लो बियर वाली कि पी वापस डाल दी, पी वापस डाल दी, मजा नहीं आता वो फिर। बट भाई मैं जुगाड़ तो बताना पड़ता है ना, देसी जुगाड़ तो बताना पड़ेगा भाई, आइस बकेट में डाल दो, लेकिन फिर वो झंझट हो जाता है यार, यहाँ पे इंडिया में आते लोग तो भाई चुपचाप के पीते हैं कोई कॉलेज कमरों में, ठीक है, कोई जो घर पे जो फैमिली रहती है वो स्टूडेंट अपनी टेबल के नीचे रख के पीते हैं, ठीक है ना, जो जो और जो थोड़े शादी वादी भी हल्दी हल्दी शादी हो जाती है वो तो भाई वो लोग भाई किचन में, कोर्ट के अंदर किचन में छुपा के पीते हैं, तो भाई कहाँ बचेगी भाई ठंडी बियर 600 ml की। 80 ml एक पाइंट है, छोटा सा पाइंट है, आराम से कहीं पे भी रख लो, आराम से बिछरो, स्टूडेंट लो, टीचर लो, नहीं शादीशुदा आदमी लो, सबके लिए भाई होने पाइंट, ठीक है ना। चलो अब टेस्ट करते हैं। Cheers. ब्रांड अपने आप को दर्शाता है। सबसे पहले तो मैं इसी कलर की बात करूंगा, ऐसा कलर बहुत बढ़िया लगता है मेरे को बडवाइजर का। स्मूथ है, देखो स्मूथ है, ठीक है, बस ये है कि कंपेयर टू मैग्नम जो मेरे को एक्स्ट्रा प्रोफाइल चाहिए होता है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रूटी, थोड़ा सा फ्लोरल टेस्ट जो चाहिए होता है बियर का, यूनिक बनाने के लिए, बियर का यूनिक बनाने के लिए, थोड़ा ट्रॉपिकल टेस्ट जो होता है ना बियर का। मैं भाई इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया में हम लोगों को पसंद ही आती है थोड़ी ट्रॉपिकल बियर, ठीक है, तो नो डाउट ये स्मूथ है थोड़ी सी, बट कंपेयर टू मैग्नम मेरे को थोड़ी सी कड़वी लगती है कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा जो इसका टेस्ट है ना इसका थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा कड़वा लगता है तो कंपेयर टू मैग्नम। भाई ये देखो
कहाँ का फेमस है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट दर्शाया हुआ है। लेगेसी है, लेगेसी यही है, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सभी को पता होगा, बडवाइजर हो गया, अब इंडिया में मिलर्स भी मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पहले मिलर्स इतना अवेलेबल नहीं था, बडवाइजर को काफ़ी टाइम से है। ये समझ लो कि इंडिया में किंग फिशर को जो चुनौती देती है ना कुछ दो तीन बेयर, उनमें से एक ये है। किंग फिशर कहाँ ले गया यार, किंग फिशर भाई, मैं कह रहा हूँ प्राइस वाइज, वो जितना ज़्यादा वो बिकती है ना इंडिया में, उसके मुकाबले में बिकने के मुकाबले में, बिकने के मुकाबले में कह सकता है, लेकिन किंग फिशर को ना मैं बियर में थोड़ा कमी कंसीडर करता हूँ यार। वो वही है ना कि डूबते को तिनका सहारा, भाई मैं कह रहा हूँ किंग फिशर ऐसा ब्रांड है ना, अगर वो थोड़ा सा भी काम कर लें, लेकिन उन्होंने पता क्या करा है, जो अपने और दूसरे ब्रांड है उनको तो बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन हल्का सा काम अगर वो किंग फिशर पे कर लेना, एक प्राइस रेंज का, यार इंडियन कम्युनिटी यार तुम्हारा ब्रांड इतना पी रही है, ठीक है ना, उसको कुछ सही कर लो, मोल्ड करके कुछ सही कर लो यार, ताकि बंदे पिए। अब एक बात बताओ, बाहर के बंदे बडवाइजर, ट्यूबो, ये सब क्यों पी रहे हैं? क्योंकि यार उनको एक फ्रेंडली बजट में अच्छी दारू मिल रही है तो वो पी रहे हैं उसको, ठीक है ना, कार्ल्सबर्ग लो, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इंडिया में नाम पता किसका छा रहा है? अब देखो, सिम्बा हो गया, बीरा हो गया, अब बियंग आ गई है नई, ठीक है। ये बियर्स क्या हैं? ये वेरिएशंस ला रही हैं, जो पुराने बोरिंग से टेस्ट वगैरह हैं, जो चलता चला आ रहा है, उससे अलग हटके कुछ कर रही है, एक नया टेस्ट लेके आ रही है, एक नया क्या कहते हैं प्रोफाइल बना रही है, अपने आप का एक नई पहचान बना रही है। बिल्कुल सही कहा, बियंग मस्ट ट्राई आपकी बियर है, आप चाहें तो उसका अपर लिंक भी कर देगा, ऊपर मिल जाएगा, उसको ट्राई करना भाई, बढ़िया बढ़िया। भाई को चढ़ गई, हमेशा इधर आता है, इधर इधर कोई बात नहीं, इधर आज इधर देख लेना, ठीक है ना, ठीक है, कहीं पे भी देखो यार, मिल जाएगा तुम्हें लिंक यार। हाँ, तो और कुछ बताना भाई इसके बारे में? वैसे तो देखो मैग्नम के टाइम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और फिर भी एक डिटेल में एक वीडियो अलग से बनाएंगे बैठ के, जब हम वार्तालाप करेंगे। ये एक रिफ्रेशिंग, एक बढ़िया बियर है, एक बढ़िया से चखने के साथ, एक बढ़िया कंपनी के साथ पाइंट लाके एंजॉय करो, मैं तो ये कहता हूँ भाई। मेरे सही बोला राहुल ने, इसके साथ थोड़ा ना अगर स्टार्ची चखना होता, स्टार्ची से मेरा मतलब है थोड़ा सा ब्रेड वाला चखना होता है, जैसे कि आपका जिंजर ब्रेड हो गया, ठीक है, गार्लिक ब्रेड हो गया, क्या कर रहा तू, ठीक है, चीज ब्रेड हो गए, ठीक है, तो वो और पिज्जा वगैरह हो गया, काफी अच्छा मजा आता है इसके साथ। ये थोड़ा सा स्पाइसी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नकार सकते हो आप इसको, नहीं पी सकते हो आप इसको, बट हाँ कि थोड़ा चीज ही होता तो ज्यादा मजा आता है ना। इसी पे अगर मैं चीज डाल दूं अभी लाके तो नहीं मेयोनीज कुछ नहीं, अच्छा मतलब तुम्हें उसका मतलब टेस्ट ना भाई थोड़ा स्पाइसी नहीं होना चाहिए बस, आज जो भी बन रहा हूं मतलब आपको स्पाइस नहीं चाहिए इसके साथ, है ना, बियर के साथ लाइट बियर है तो लाइट चखना हो, कहने का मतलब समझ रहे हो। अब पता है स्पाइस क्या करेगा, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, स्पाइस जो होता है ना भाई, वो ये करता है कि तुम्हारे बियर ना जल्दी जल्दी उतार देगा, तुम्हें मजा नहीं देगा उसको एंजॉयमेंट करने का, ठीक है ना, मतलब स्पाइस ना बियर को ओवरपावर कर दे। अब एक बात बताओ, तुम्हें बियर पी रहे हो, तुम इसलिए पी रहे हो ताकि तुम्हें पसीने ना है, ठीक है ना, तुम एंजॉय करो ठंडा कूल, तुम खा रहे हो स्पाइसी, आ रहे पसीने पी रहे हो बियर, भाई क्या कॉम्बिनेशन था, मजा ही नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा भाई, ठीक है, देखा भाई मौका नहीं छोड़ता, मतलब बर्बाद कर देता हूँ मैं भी, तो भाई चखना का भी तो बनता ही है, ठीक है। तो वैसे चखना आप वैसे किसी और के साथ ट्राई कर सकते हो, विस्की के साथ कैसे रहेगा भाई? लास्ट जो रिव्यू डाला था ना उसका, तो ये वाला चखना जरूर ट्राई करना यार, वो जो आपने वो क्या बनाया था लास्ट चखना, चिली पटेटो ना, चिली पटेटो के साथ ये भी ट्राई करना, ताकि जो ऐसे बनाएगा ना वो दोनों मिक्सर के ट्राई करना। हाँ चिली पटेटो तो चिली मोमोज दोनों ही थोड़ा आजू बाजू का हो गया, सॉस सेम ही होता है। हाँ बस मैं बस पटेटो की जगह मोमोज लाके डाल, मैं कह रहा हूँ भाई वो लाके डालना भाई, ओए होए मजे आ जाने भाई, आप है ना चकदे भट्टे कर दोगे आप, है ना, तो ये कर दोगे आप इसको स्कॉच के साथ, इसके साथ एंजॉय करो भाई, मजा आ जाएगा, है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो ऐसी धड़ल्ले से मिलते रहेंगे आपको, आप टेंशन मत लेना वीडियो की, बस ठीक है ना। हाँ ठीक है, बस अब माइक में हमें बड़ा मजा आया, होपफुली आपको मजा आना चाहिए, वीडियो एंजॉय करना चाहिए। और दूसरा अब क्या होने वाला है, अब आने वाला है सर्दियों का रम्स वगैरह काफी फुल, मेरी फेवरेट रम की पेटी, ठीक है ना,
और जो फेवरेट है ना आपको बताइए मेरी कौन सी है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे इस साल मैंने इससे बोला है थोड़ा और नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। रम में क्या है कि इंडिया में ना बहुत लिमिटेड ऑप्शंस वैसे भी अवेलेबल है, ठीक है, बकार्डी हो गया, ओल्ड मॉक हो गया, कैप्टन मॉर्गन हो गया और मैकडॉगल्स, तीन चार ब्रांड है जो लोगों को ज्यादा पता है। ये तो हमने ढूंढ के निकाला ना, ये तो हमने ढूंढ के निकाला है। अभी भी प्लूटन भी अगर आप दिल्ली एनसीआर में ढूंढने जाओगे ना बहुत कम मिलती है, बहुत कम भाई नहीं मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, गारंटीड आपको प्लूटन में नहीं मिलेगी, आपको हरियाणा के अंदर मिल जाएगी, दिल्ली में तो नहीं मिलेगी, दिल्ली के अंदर बहुत ही रेयर मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है यार, नहीं मिल पाता यार। मैंने खुद बहुत ढूंढ के, मैं मेरा एक बहुत ही क्लोज बंदा है उससे मैं हर साल मंगवाता हूँ इसकी एक पेटी, ठीक है। और इस साल हमारी कोशिश क्या रहेगी, ये जो ब्रांड है इसके अलावा चाहे महंगे हो चाहे सस्ते हो लेके आना और ट्राई करना है ना, और आपको रिव्यू देंगे इस बार। अभी तो देखो थोड़ा टाइम अभी कब से नहीं स्टार्ट करेंगे, पता चले कि यहीं घुर जाए हम, यहीं पे पिघल जाए तो करेंगे जल्दी, बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलने वाले हैं। अब तो सर्दी स्टार्ट हो रही है तो अब चखना भी अच्छा मिलेगा, अब तो क्रिसमस भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, त्योहार आ रहे हैं। चलो और होपफुली एक फ्यूचर में एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो होपफुली एक नया फिर से ट्रिप का भी वीडियो है। हाँ यार, फूड ब्लॉग वगैरह हमने सोचा था स्टार्ट करने के लिए। चलो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको हमारी तरफ से फूड ब्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि रवि बहुत अच्छा कुक है, ठीक है ना, ही नोज की फूड कहाँ बढ़िया मिलता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको फूड ब्लॉगिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि फूड ब्लॉगर ना आजकल बहुत हो गया यार, मैं तो उनसे परेशान हूँ भाई यूट्यूब से, इसलिए मैं इसलिए कहा था मेरे को फूड ब्लॉगिंग कर लेते भाई, मैंने इसे कहा कि भाई नहीं करते हैं भाई, कोई हर दूसरे दिन कोई नया फूड ब्लॉगर आता है और वो मुफ्त की चाट खा के जाता है भाई, इट टोटली हैरस, ठीक है, सही बता रहा हूँ भाई। और कहीं तो भाई मैं बताऊँ, नहीं नहीं मेरे को बोल लेता है फटने दे है, कहीं तो भाई दिल्ली के अंदर ही ना भाई इतने घटिया घटिया जगह पे खाने खा के आए ना, और बोल रहे भाई क्या टमाटर फूड है यार, हम दिल्ली में पैदा हुए हैं, तुम बाहर से आ रहे हो दिल्ली खाना खा रहे हो और हमें बता रहे हो तुम कहाँ खाना अच्छा है ना, हम बचपन से खाना है। यहाँ पे हिसाब हो गया है, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं बहुत टाइम से, बहुत छोटी उम्र से, और घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का खाना खाया, ठीक है, तो पता चल जाता है कहाँ अच्छा है कहाँ अच्छा नहीं है, क्या बढ़िया है क्या बढ़िया नहीं है, इवन मसाले तक पता चल जाता है आज के टाइम पे, तो क्या डाला है क्या नहीं डाला, ठीक है। तो आप कोई ऐसे नया बंदा है ना, अभी रिसेंटली ये इस वजह से पता क्यों बोल रहा है, एक बंदा आया था बाहर से घूमने के लिए, मतलब फ्रेंड टाइप ही है, नाम नहीं लेंगे, और भाई वो तारीफे बांधे जा रहा है, अब हमें पता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है यार, ठीक है। खैर हर किसी का टेस्ट है, तो जो भी कोई नई चीज़ ट्राई करता है वो तो करता ही। एक तो फूड ब्लॉग जैसे राहुल बता रहा है, जैसे डिसाइड किया था पहले कभी आप बताना अगर आप बोलोगे तो वी कैन स्टार्ट, या फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं, मेरा एक और जो अभी दिमाग में आया कुछ दिनों पहले, कि हम जाएंगे हम फूड टेस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, बट अगर अच्छा लगा तो उसको मैं वापस घर आके उसका अपना घर पे कैसे बनाते हैं वो चीज़, मतलब एक काम करते हैं फूड ब्लॉग, आप पहले सजेस्ट करो कि फूड ब्लॉग स्टार्ट करें या ना करें, फिर हम उसमें आगे अपना ऐड करेंगे, क्योंकि हम हमेशा हम दारू लवर हैं तो हम कॉकटेल तो करेंगे बस के साथ। हाँ ये तो पक्की बात है, मैं कॉकटेल तो रहेगा भाई इसके साथ, हाँ ठीक है। तो अब बताना आपको फूड ब्लॉगिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए होगी तो करेंगे और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इधर उधर दिल्ली के अंदर जानते हैं जो काफ़ी चीज़ें लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी हैं अभी, क्योंकि वो बहुत छोटे कैटेगरी के बंदे हैं, उनके पास लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वही एक्चुअल में जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको बना के देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप चाहें तो वो फूड ब्लॉगिंग हम आपके लिए कर सकते हैं, तो आप बताना कि आपको फूड ब्लॉगिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम बताना तो हम आगे वीडियो बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी बियर है, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टेस्ट इसका ना कब, क्योंकि ना जब भी मैग्नम की बात आती है ना तो पहला माइंड मेरा मैग्नम पे चला जाता है, छोड़ दे भाई एडवाइजर पे, ठीक है, तो इस वजह से मेरे को ये सेकंड में रखूंगा इसको, ठीक है, मेरी तरफ से सेकंड रहती है, मैग्नम फर्स्ट रहती है। राहुल तेरे लिए मैग्नम फर्स्ट है, ये फर्स्ट है भाई मेरी, अगर दो तेरे टेबल पे सामने रखे तो क्या उठाएगा भाई, उठाऊंगा तो मैग्नम ही, अगर उसका पॉइंट मिल जाएगा तो, अगर पॉइंट इसका मिलेगा तो भाई मैं इसको उठाऊंगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरे क्या कहने का मतलब है भाई, ये वाली बात है भाई, मैग्नम ज्यादातर यार मैग्नम यार से महंगी भी है यार, मैं तुम्हें सही बात बताऊं यार, ये मैग्नम सस्ती भी है तो मैग्नम क्यों लूंगा भाई मैं, है ना, ओरियो से स्ट्रांग भी है भाई, मैं बता रहा हूं मैग्नम से लाइट है थोड़ी सी, बट उसका टेस्ट प्रोफाइल ऐसा है मैडम, लागे रहा है मैं एक सारी भी लागे हां लागे रहा, ठीक है। एनीवेज आप पता चल गया ना आपको मैग्नम है, हाँ है ना, मैग्नम नंबर वन, ठीक है, एडवाइजर में
नहीं अभी मैं नंबर वन नहीं कहूंगा उसको, मैं और मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बडवाइजर की कैटेगरी में। वैसे हाँ मैग्नम ठीक है, और कोई वेरिएंट आता है इंडिया में? हाँ मैग्नम और सारी भी है भाई, मैग्नम और भी बडवाइजर के और भी ब्रांड आते हैं एक दो। चलो वो भी लेके आएंगे फिर कंपेयर करेंगे एक दिन ना, एक कंपेयरिंग वाला वीडियो बनाएंगे बडवाइजर की जितनी है साइड में रखेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है? तब बताएंगे आपको क्या बढ़िया क्या नहीं है। चलिए तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। राहुल अपनी अर्जी रहो, एक बियर के साथ ड्राइव कर सकता है, एक बियर के साथ नहीं नहीं कर सकता, नहीं यही सोच है। मैं बताऊँ एक, मैं नहीं नहीं भाई क्यों नहीं नहीं भाई, एक फ्रूट बियर लाओ उसको पियो और जितने ड्राइव करने उतने ड्राइव करो बस, ठीक है ना? आजकल जीरो अल्कोहल इतनी सारी बियर, अरे भाई जितनी केक शॉप पर जाओ भाई ये ब्रांड बोलो कुत्तों के लिए भी भाई बियर लगा रखी है भाई उन्होंने तो भाई, तुम्हें और की बात कहूँ? चलो भाई चैनल को ये एंड करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, फूड ब्लॉगिंग के लिए बताना, सब में चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत भूलना, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हम फूड ब्लॉगिंग करें या ना करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बिल्कुल, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ब्रांड अगेन बियर के और एक नए चखने के साथ, होपफुली इस बार थोड़ा चीज़ी रहेगा, ठीक है? और देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है और क्या टेस्ट आता है, तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स चीयर्स बाय लोगों।